वक्त मैं मौजूद हूँ जम्मू के डल झील में। अरे आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा, ये देखिए पीछे, जम्मू में एक खूबसूरत डल झील का प्रबंध किया गया है और इसे बनाया गया है। लोकेशन की बात आपको बाद में बताएंगे, पहले आप इस डल झील के नज़ारे देख लीजिए। अगर आप लोगों को डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारियों ने अभी तक ग्रस्त नहीं किया है, अभी तक छुआ नहीं है, तो इस लोकेशन पर ज़रूर पहुंच जाइए, क्योंकि इस लोकेशन पर आपको सारी सर्विसेज मिलने वाली हैं। आपको डेंगू मिलेगा, आपको चिकनगुनिया मिलेगा, आपको मलेरिया मिलेगा, और भी एक आध बीमारियाँ अगर रह गई हों तो उसके लिए एक बार इस पानी को देखिए और यहाँ पर एक बार आप डुबकी लगा लीजिए। बाकी की बीमारियाँ तो आपको यूँ ही पकड़ लेंगी। और अगर कोई ऐसा है जो जीना नहीं चाहता है तो वो भी एक बार ज़रूर आ जाए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर चलने वाली हवाओं में जो खुशबू यहाँ की मिली हुई है उसके बाद ज़रूर आपका ज़िंदगी पर से विश्वास उठ जाएगा। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं महाराजा हरि सिंह पार्क के पास, जहाँ पर JDA पार्किंग है, उस इलाके के पास। यहाँ पर आप कंडीशन देखिए कि क्या कंडीशन है, बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाली और परेशान कर देने वाली कंडीशन है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इस वक्त डेंगू का प्रकोप चल रहा है। हर तीसरे घर में कोई ना कोई डेंगू से ग्रस्त पाया जा रहा है। ऐसे में एक ऐसी लोकेशन जो वहाँ पर लोग रहते हैं और उस लोकेशन पर इतने सारे मच्छरों का होना, आप देख सकते हैं अभी भी यहाँ पर मच्छरों का ढेर सारा लार्वा है इस पानी में। सोचिए जो लोग यहाँ पर रह रहे होंगे उनकी क्या हालत होती होगी और किस तरह से यहाँ पर से कोई भी गुजरने वाला इंसान बीमार हो सकता है। यहाँ पे आसपास के लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, आइए चलते हैं। मैं तो सोचता हूँ कि जो म्यूनसिपलिटी कमिश्नर जम्मू है और VC JDA है, वो जल्दी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को लाएं, यहाँ ओपनिंग करें और आप खुद अपनी फैमिली के समेत आके झील डल का मतलब लुत्फ उठाएं। यहाँ तो इतना कीचड़ है, इतनी बीमारी है जिसका कोई अंदाज नहीं है। जो पिछले दो सालों से कई सालों से कह रहे हैं हम यहाँ बना रहे हैं, क्या नाम है, स्मार्ट सिटी, यहाँ बीमारी का घर बना के रखा है। पार्क के अंदर 10 कनाल में पानी का निकास जो था वो खोल नहीं पाए, स्पॉट की इतनी बुरी कंडीशन है। मैं कहता हूँ इससे तो मैं ये म्यूनसिपलिटी कमिश्नर और VC JDA जो है उनको मैं बड़े पैमाने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जो आप जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी का इतना अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ एक सेंटर में महाराजा हरि सिंह पार्क के सामने जो बीमारी का घर बना रखा है, एक आपसे ये नहीं खुला, आप जम्मू डेवलपमेंट यहाँ के स्मार्ट सिटी, आप क्या स्मार्ट सिटी बनाएंगे? सड़कें तो सारी आपने खोद के वो खंडर कर दिए। आपका काम है खंडर करते जाना, टंडर लगाते जाना, कमीशन खाते जाना और ठेकेदारों के नाम पे, हाँ जी ये टंडर फलाने का, ये फलाने का। देखिए ये डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, JDA जो है, जो म्यूनसिपलिटी है, ये लोग अगर ज़मीनी सतह पे कुछ काम करेंगे तो पब्लिक को बेनिफिट होगा। इन्होंने जो यहाँ पर जो झील बना रखी है पिछले 4-5 साल से, ये पानी का निकास बंद है, बीमारी का घर बना, कितने लोग बीमारी की चपेट में आए, कई लोग यहाँ से अस्पताल जाते हैं, कई यहाँ से लुधियाना चले जाते हैं। डेंगू भी तो कितना फैल रहा है, बेशुमार यहाँ 3-4 मोहल्ले हैं, ये गाड़ियाँ बाहर से आती हैं और रुकती हैं यहाँ पर, और इतना जो 10 कनाल में ये पानी बंद पड़ा है यहाँ पर, इस पानी का निकास जो बंद पड़ा है कहीं से वो खोलना था ताकि ये पानी जो है निकल जाता, पानी को अपनी जगह मिलती, बीमारियाँ ना फैलती। तो ये नाकारा कारीगरदगी मैं समझता हूँ जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी की है या JMC जो कमिश्नर साहब हैं उनके काम काज की है। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब को कहते हैं बहुत अच्छा हम काम कर रहे हैं, और स्पॉट पे ये देख लो ये जो झील बनाई है। मैं कहता हूँ आप म्यूनसिपलिटी कमिश्नर साहब को, JDA साहब को, आपके मीडिया के माध्यम से कि आप जल्दी गवर्नर साहब को बुलाइए और यहाँ आप अपना आके मतलब है कि रिबन काटिए तो यहाँ ओपनिंग करवाइए और पहले खुद आइए यहाँ शिकारा लगा के घूमने के लिए। क्या लगता है आपको आने वाले समय में यहाँ पे शिकारा में जैसे देखा जाता है कि फ्रूट्स बेचते हैं, कुछ बेचते हैं, यहाँ पे वैसे बाजार लगेंगे शिकारों में? देखो जी जिस किस्म की झील बनाई है जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी ने और म्यूनसिपलिटी ने स्मार्ट सिटी के लिए यहाँ पर सारा पानी बंद करके बीमारी का जो घर बनाया है उससे तो लगता है कि वो शायद यहाँ कोई ओपनिंग करवाने वाले हैं, आने दिनों में कोई नया काम खोलेंगे, जहाँ 500-600 करोड़ रुपया के नाम का कोई प्रोजेक्ट लाएंगे, पैसे जेब में डालेंगे, ये खंडर पड़े रहेंगे और कमिश्नर भाग जाएंगे। तो यही परेशानी सबसे ज्यादा। आप में से किसी ने बातचीत करने की कोशिश नहीं की ऑफिसर्स में से किसी को भी, कोई आपने लेटर नहीं लिखा, कुछ नहीं किया? देखो बहुत सारे कई बार यहाँ मीडिया वाले आए, उन्होंने भी सरकार को बोला, कई लोगों ने चिट्ठी भी लिखी है, लेकिन अफसरशाही इतनी मतलब है, अफसरशाही ने इतना एक मतलब है कि अपना तरीकाकार जो काम काज का है वो बदला हुआ है। हर अफसर ये कहता है कि मैं यहाँ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन गया हूँ, पब्लिक की बात सुनने के लिए कोई अफसर कोई थाटी तैयार नहीं है। अगर कोई मतलब छोटा सा भी है, कोई चपरासी है, वो भी कहता है मैं भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हूँ। देखो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना बड़ी बात होती है, लॉ एंड ऑर्डर कहाँ मेंटेन है? डेवलपमेंट में तो ऐसे चोर बाजारी मची हुई है कि जैसे मैं कहता हूँ लुटेरे दिन दिहाड़े करोड़ों रुपये लूट रहते हैं, गरीब आदमी को उसकी मजदूरी का 2 रुपये मजदूरी नहीं मिलती है। मजदूर अगर अपनी मजदूरी 5 रुपये ज़्यादा मांग ले, आप सर ऑब्जेक्शन लगाएंगे। जो दूसरी तरफ उनके जो पार्टनर कमीशन खोर एजेंट यही जो होते हैं, इंजीनियर जो होते हैं, खरबों रुपया लूट के घर चले जाते हैं।
तो इस सिस्टम में जहाँ जहाँ अफसरशाही जहाँ आसमान छू रही है, ये अफसरशाही के चलते यहाँ जो झील बनाई गई है ये बड़ी झील है। तो ये मैं मुबारकबाद फिलहाल तो JDA के VC साहब को दे रहा हूँ और साथ में आपके मीडिया के माध्यम के द्वारा ये कमिश्नर म्यूनसिपलिटी को भी दे रहा हूँ। जरूरत पड़ेगी तो हम मनोज सिन्हा साहब को भी मुबारकबाद पेश करवाएंगे, लेकिन मेरी उतनी ताकत नहीं है कि मैं उन्हें बुला सकूँ। देखिए, वो बुलाना काम उनका है जो उनके अंडर काम कर रहे हैं, जो गवर्नर को कहते हैं कि बड़ा अच्छा चल रहा है स्मार्ट सिटी, तो स्पॉट पे ये हालत है। इस प्रकार आपने देखा इस रिपोर्ट में कि लोगों से कहा जाता है कि पार्किंग है, और ये देखिए ये JDA पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ है, पीछे देखिए आप लोग गाड़ियां भी लगी हुई हैं उस तरफ पर। गाड़ियां तो जहां लगी हुई हैं, साथ में यहां पे एक बीमारियों का गढ़ बना हुआ है, जहां जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी 1000 से ज़्यादा केसेस आ चुके हैं और इस साल में 1100 से ज़्यादा केसेस टाप चुके हैं डेंगू के। वहां पर ऐसी लोकेशन पर अब तक ध्यान क्यों नहीं दिया गया, एक बड़ा सवाल उठ खड़ा होता है उन अथॉरिटीज़ के ऊपर, जिन अथॉरिटीज़ ने ये क्लेम किया है कि वो जम्मू को स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, और हाँ, हो सके तो इस डल झील में ज़रूर घूमने के लिए आएगा अगर आप लोगों को अब तक डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों ने नहीं पकड़ा है। तब तक के लिए देखते रहिए द अर्थ न्यूज़। साक्षी सानी की रिपोर्ट, द अर्थ न्यूज़ जम्मू।